हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमायल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका, कंसल्ट डॉक्टर रजत गुप्ता। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111 8199349419। गोपालपुर गांव के राजान पाना चौपाल के पास वाले गली में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गली में करीब 15 से ज्यादा मकान हैं जहां पीने के पानी की लाइन नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को दूर जाकर गुरुग्राम नहर पर लगे नलकूप पर जाकर नहर से पानी लाना पड़ता है, जिसमें उनका काफी समय खराब होता है। इस बारे में ग्रामीणों ने मामले की शिकायत की है कि खरकुदा जन स्वास्थ्य विभाग के SDO को भी दी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सरपंच मुकेश कुमार का कहना है कि कई बार इस मामले में अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है। इस मामले में जल्दी ही एक शिकायत ग्रीवेंस कमेटी में भी दी जाएगी और CM विंडो में भी दर्ज कराई जाएगी, ताकि समस्या का समाधान हो सके और बस्ती में पीने के पानी की लाइन दबाकर वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। पंकज, वीरेंद्र, पंकज, राजेश, कविता, राजवीर, प्रियांश, संजय, नरसिंह, सुमित्रा, दलजीत, पंच, रणबीर, विकास, पंच व पूजा सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने शिकायत दी। प्रताप स्कूल खरखोदा के NCC कैडेट्स ने तंबाकू निषेध जागरूकता रैली निकाल दिया संदेश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रताप स्कूल खरखोदा के NCC कैडेट्स द्वारा तंबाकू निषेध जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल व प्राचार्य दया दहिया ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर प्रताप स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि देश में प्रतिवर्ष 13,50,000 लोगों की मौत तंबाकू उत्पादों की वजह से हो रही है। यदि हमने समय रहते तंबाकू सेवन पर रोक नहीं लगाई तो यह आंकड़े और भी भयावह हो सकते हैं। NCC कैडेट्स ने हाथों में देश को बचाना है, तंबाकू को हटाना है, गुटखा जो चबाएगा जिंदगी भी गंवाएगा, तंबाकू का नशा अनमोल जीवन की दुर्दशा, हम सब का यही है सपना, नशा मुक्त हो देश अपना, तंबाकू से नाता तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो आदि स्लोगन की पट्टियां लेकर वह इन स्लोगनों के नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए खरखोदा के मुख्य मार्ग से होते हुए बस स्टैंड तक NCC ड्रिल इंस्ट्रक्टर सुखबीर सिंह व NCC अधिकारी ऋषि कुमार के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय में मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। 31 मई अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर कल्पना चावला विद्यापीठ में अंतर सदनीय भाषण प्रतियोगिता दिवस मनाया गया। भाषण प्रतियोगिता में तीनों सदनों सत्यम, शिवम, सुंदरम के छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रत्येक प्रतिभागी ने बड़ी सुंदर शब्दों में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें विद्यार्थियों ने भाषण के जरिए बताया कि तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, बताया कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 80,00,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से होती है, किसी भी चीज़ का जरूरत से ज़्यादा सेवन जानलेवा होता है। प्रतियोगिता में सुमेरा, मोहित, खुशी, लक्षित, मोहिनी, गौरव ने बेहतर प्रदर्शन किया। हिंदी सत्याग्रही आंदोलनकारी स्वर्गीय धनपत साध की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हवन भंडारा के साथ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जटोला के 30 विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी जूते उपलब्ध कराए। इस अवसर पर सोमवीरारी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वह निर्मल हृदय के व्यक्ति थे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते थे। 1957 के हिंदी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उनको रोहतक में अम्बाला जेल में जाना पड़ा। इसके साथ साथ उनके जीवन पर आर्य समाज का भी प्रभाव रहा। गौरक्षा आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, कच्चे खालों की खुदाई करके नहरी पानी का शुद्ध उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक कार्यों में भाग लिया। वह अपने आप को पीछे रखकर काम करते थे। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य वीरेंद्र पाराशर ने बताया कि धनपत साध नशे जैसी बुरी आदतों से कोसों दूर थे। आज हम धूम्रपान निषेध दिवस भी मना रहे हैं, विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक किया व भविष्य में समाज में नशे के खिलाफ जन जागरण के लिए तैयार किया एवं जब जग उत्थान खेल शिक्षा समिति के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर देवांश दहिया ने अपनी गुल्लक की संचित राशि से विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी देने में आर्थिक सहयोग किया। इस मौके पर नीलम रानी, सुमन, नवीन, सोनिया, वंदना, नरेश, संदीप, सुमनलता आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना में प्राचार्य अनीता श्योरन द्वारा विभिन्न खेलों में ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाली
छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। गोहाना में आयोजित जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सिमरन ने निशानी कांस्य पदक प्राप्त किया था। खरखुदा के प्रताप स्कूल में जिला स्तरीय पेंचक सिलौट प्रतियोगिता में निशानी स्वर्ण व सिमरन ने कांस्य पदक जीता था। बिरला स्कूल खरखुदा में प्रदेश स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन किया गया। ब्लॉक स्तर की योगा प्रतियोगिता अंडर 11 में छात्र कोमल ने स्वर्ण, अंडर 14 में राधिका व योगिता ने स्वर्ण, अंडर 17 में अंजलि ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जो विद्यालय योगा कोच नीलम की देखरेख में छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया था। इस मौके पर कोच संदीप दहिया, आनंद व शिक्षक मौजूद रहे। कन्या महाविद्यालय खरखुदा एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक NAAC एक्रेडिटेड ग्रेड ए इन थर्ड साइकिल रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स MA हिंदी, MA ज्योग्राफी, MSc कंप्यूटर साइंस। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।